नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मेरे पास यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आई हुए मैसेज का जवाब देना चाहूँगा। मेरे पास जो मैसेज आया है सूरज राणा जी का, इन्होंने लिखा है, सर हमारी साउथ वेस्ट फेसिंग शेरमुखी शॉप है, साउथ फेसिंग दुकान का क्या रेमेडी करना चाहिए। यानी साउथ और वेस्ट कॉर्नर की शॉप है और जो इनकी अपनी एंट्रेंस है वो साउथ की एंट्रेंस मेन बनती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपकी अपनी शॉप साउथ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग है और साउथ का फ्रंट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपका जो स्वेटर है वो रेड कलर का होना चाहिए। आप यहाँ पे रेड कलर भी कर सकते हैं, पीच कलर भी कर सकते हैं, पिंक कलर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने फुटमैट डालना है तो वो आपका रेड कलर का आना चाहिए। गेट से यानी शटर से एंट्री करने के बाद आपका जो राइट हैंड का हिस्सा है वहाँ पर अंदर के भाग में आपने 100 वाट का बल्ब लगाना है, जिसे आपने सुबह से लेकर शाम तक जलाना है, ऑन रखना है। सेफ्टी पॉइंट आपने देखना है, कई बार क्या होता है कि बल्ब हीट होकर फट जाता है, वो सेफ्टी पॉइंट देखना काम आपका है। ऐसे ही जो आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर बनता है उस कॉर्नर में आपने भारी सामान भर के रखना है। आप अपनी शॉप के अंदर साउथ वेस्ट कॉर्नर में बैठे आपका फेस ईस्ट की ओर होना चाहिए। आप ये छोटे छोटे उपाय अपने यहाँ पर अपनी शॉप में कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको रिजल्ट बेहतर मिल जाएंगे, आपकी शॉप के अंदर सेल प्लस हो जाएगी। सेल प्लस होगी तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम भी जरूर प्लस होगी। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी अपनी किसी साइट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के माध्यम से आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।